और उसी के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ घर। और जाने से पहले जैसे आपको मैंने रास्ते में जैसे दिखाया था काफ़ी वो सेवोक में ना बहुत सारे बंदर हैं, तो जैसे लास्ट टाइम मैं आया था वो टाइम में तो मैंने ब्लॉग नहीं किया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ मेरा जो भांजा है नेफ्यू जो है जिमित उसने बोला था कि मैं बंदरों को केला खिलाऊंगा, वो तो अभी आया नहीं है बट उसके नाम पे मैंने ये केले ले लिया हूँ। अभी जाऊँगा और वही केले मैं मतलब बंदरों को खिलाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। जो पुल है ना ये 2x2 का लेन मतलब रोड बनने वाला है जो कि काफी मतलब वाइड होगा और उसके वजह से ना मतलब बड़े बड़े जो आर्मियों के ट्रक होते हैं ना, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि आर्मियों का ट्रकों का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो इसके वजह से मतलब अभी क्या होगा कि उनको अभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आराम से वो नाथुला तक बॉर्डर एरिया तक पहुँच सकते हैं। तो आप देखिए ऊपर से क्या गजब का चौड़ाई वाला रोड बनने वाला है यहाँ पे, तो नितिन गडकरी जी जो है उनके सपोर्ट से ये बन रहा है, तो बहुत थैंक यू वेरी मच नितिन जी और हमारे बॉर्डर्स को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ताकि हम लोग सेफ रह सकें। तो इसके बाद ना नाथुला पहुँचना बहुत ही इजी हो जाएगा, मतलब एक तो शॉर्टकट भी रहेगा ये सिक्किम विक्किम जो गैंगटोक का जो पुराना वाला रास्ता है वो गैंगटोक होते हुए जाता है, तो वो सारा बाईपास हो जाएगा, एकदम पूरा सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट रास्ता निकलेगा एकदम नाथुला के लिए, तो ट्रैवलिंग जो टाइम रहेगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा उसका और साथ के साथ मतलब हैवी व्हीकल्स भी आराम से पहुँच सकते हैं वहाँ पर। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि जैसे नॉर्मली इससे पहले मैं ना फाइव गियर वाले मैंने गाड़ी चलाया मैंने, तो ये नेक्सॉन जो है ये 6 गियर के हैं और अभी ज़्यादातर जितने सारे नए मॉडल के जो जितने सारे गाड़ी आ रहे हैं ना सब कोई 6 गियर के बनाए जा रहा है, तो जो मैं फर्स्ट टाइम जो ये प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था ना वो तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा था कि मेरा जो जैसे मैं पहले क्या करता था 5th गियर में डालने के बाद ना उसको न्यूट्रल करता था उसके बाद 6 में डालता था, जो नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम जो लिए होंगे तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से यही करते होंगे, बट ये जो शिफ्टिंग है ना गियर का ऐसा नहीं करना होता है, तो ऐसे अगर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो आपका जब 6th गियर में आप डालेंगे ना तो ये अटकेगा बार बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना होता है। जैसे अभी मान लीजिए अभी मेरा 4th गियर में है अभी, है तो इसको हम 5th गियर में डाल देंगे, ये 5th गियर में डल गया ये अभी, तो उसके बाद जैसे मैं इसको 6th गियर में डालूंगा पहले क्या करता था इसको मैं पहले न्यूट्रल करता था फिर जाके ऐसे डालता था, तो इसमें क्या होता है काफ़ी टाइम ना अटकता रहता था इस तरह से, तो 6th में तो डल गया है बट ये कि अटकता था। नॉर्मली कैसा करना होता है जैसे ये आपका 5th गियर में है तो आपको यहाँ से ना डायरेक्ट लेफ्ट मतलब राइट साइड पुश करके सीधा नीचे लाना है, तो ये कि आपका 6th गियर में लग जाएगा, जैसे ये 6th गियर में लग गया है, तो ऐसे आपको ये गियर शिफ्टिंग 5th से 6th ऐसे करना होता है, डायरेक्ट 5th से आपको डायरेक्ट 6th में लाना होता है। तो अभी देखिए पूरा एक लंबा स्ट्रेच है यहाँ पे, आपको मेरा गाड़ी का थोड़ा सा टॉप स्पीड आपको करके दिखाते हैं, इसके लिए पहले मैं शीशा सारा चढ़ा देता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। अभी देखते हैं कितना स्पीड ले पाता है। ट्रैफिक की वजह से ना स्पीड
बाद में देखते हैं कितना चढ़ा है ये। मेरे ख्याल से ये 130 के आसपास पहुंच गया है। ऐसा ना किया करें, मतलब अगर रास्ता सेफ है, अगर अच्छा ड्राइवर है, मतलब देखिए, मतलब मैं जनरली सब ये नहीं करता हूँ कि हाँ ऐसा मतलब स्पीड चला सकते हो। अगर आपको आता है, आपको ड्राइव करना आता है तो 130 का इंसान तो लोग तो 150-200 तक भी चलाते हैं। अगर आपका कंडीशन सही है तो आप भी चला सकते हो। तो आपके साथ शेयर किया हूँ मैंने कि मैं, मेरा लेवल बस इतना ही है कि मैं बस इतना तक ही चढ़ा पाऊँगा यहाँ के कंडीशन के हिसाब से। आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अभी हम लोग शेबुक पहुँचने वाले हैं। शेबुक पहुँच के ये केला मैं ये बंदरों को खिलाता हूँ और आपके साथ शेयर करते हैं। पसीना आ गया एकदम पूरा। ये भी देखिए बंदर यहाँ पे सारा, बहुत सारा है। पहले मैं अपना शीशा सारा चढ़ा देता हूँ अपना, क्योंकि है तो जंगली ना। सारा यहीं पे बांट देते हैं। I'm gonna be myself or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time. I'm gonna be myself. हो गया देना, तो अब चलिए चलते हैं घर चलते हैं। ऑलमोस्ट 4 बजने को है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।